और इस वक्त की बड़ी खबर आज तक के खुलासे की गूंज संसद में सुनाई देगी। दरअसल संसद में 39 लापता भारतीयों पर आज तक की रिपोर्ट को लेकर आज विपक्ष हल्ला बोलेगा। इस रिपोर्ट के बिना पर कांग्रेस विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को घेरेगी। विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव लाया जाएगा सदन में, इस बात की जानकारी मिल रही है। आपको बता दें, आज तक ने यह रिपोर्ट आपको दिखाई थी। मोसूल में 39 भारतीयों को लेकर सरकार ने जो दावा किया है उस पर तमाम सवाल ये रिपोर्ट अपने आप में खड़े करती है, क्योंकि 39 भारतीयों को लेकर कोई सटीक जानकारी वहां नहीं, जबकि सरकार ने इसके उलट बयान दिया था कि भारतीय ठीक हैं और उन्हें वापस लाने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। इराक के मोसूल शहर से लापता 39 हिंदुस्तानियों को लेकर आज तक ने जो खुलासा किया उसकी गूंज आज संसद में सुनाई देगी। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि इस मामले को वो संसद में उठाएगी। जनरल वीके सिंह भी वहाँ गए थे, जो विदेश राज्य मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि नहीं, उनकी जेलों में, लेकिन जो है हम लोगों को विश्वास नहीं है, क्योंकि कोई इस तरह का हमें सबूत नहीं मिल रहा जिससे साबित हो कि वो जिंदा है। इसलिए हम इसको संसद में उठाएंगे और सरकार से आग्रह करेंगे कि किसी भी कीमत पर हम लोगों को जो असलियत है वो बताई जाए पता लगा के। इस तरह सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलने वाला। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव रखेगी। कांग्रेस का आरोप है कि सुषमा स्वराज ने मोसूल से लापता 39 हिंदुस्तानियों को लेकर गलत बयानी की। यही नहीं, आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान भी लोकसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे और स्थगन प्रस्ताव पेश कर बहस की मांग करेंगे। आइए आपको सुनाते हैं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने लापता भारतीयों को लेकर क्या कहा था। उनको बदूश जेल में भेज दिया गया है, लेकिन बदूश जेल में जाने के बाद कोई संपर्क उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज का नहीं है। लेकिन आज तक की टीम जब वहां पहुंची तो पता चला कि बदूश जेल को ISIS के आतंकवादी जमींदोज कर चुके हैं। खास बात यह है कि ISIS से बचकर लौटे हरजीत ने दावा किया था कि 39 भारतीय इराक में मारे जा चुके हैं। दिस इज बदूश प्रिजन, दिस इज वेयर अकॉर्डिंग टू द इंटेलिजेंस इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैज रिसीव्ड द 39 अबडक्टेड इंडियंस कुड पॉसिबली बी, बट दैट इंफॉर्मेशन इज क्लियरली एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। Because this building, we've been told, was destroyed by ISIS itself years ago, and this area was liberated a few months ago, in fact, by the counter-terrorism unit of Iraq. गौरतलब है कि 10 जुलाई को केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह लापता भारतीयों का पता लगाने इराक गए थे। उन्हीं से मिली जानकारी के आधार पर सुषमा स्वराज ने वो बयान दिया था। आज तक के खुलासे के बाद अब वीके सिंह का क्या कहना है, ये भी सुन लीजिए। I've already said I had gone to Iraq. I brought certain information that has been shared with the families as well as with the media. And we have always said, which our minister has said in the parliament also, that till the time we do not get proof, no government can abandon its citizen. Right? Yeah. So that is the bottom line. दिलचस्प बात ये है कि आज तक के खुलासे पर जब मामला गर्म है, इराक के विदेश मंत्री भी दिल्ली पधार चुके हैं। उम्मीद है कि वो 39 लापता भारतीयों को लेकर कोई पुख्ता जानकारी सरकार को दे पाएंगे। मोसूल से आंचल बोहरा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। इराक में लापता 39 भारतीयों के बारे में अब कांग्रेस विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से विस्तार में जवाब चाहती है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का कहना है कि राज्यसभा में इस मसले को विपक्ष पुरजोर तरीके से उठाएगा। उनसे बात की हमारी संवाददाता सुप्रिया भारद्वाज ने। हमारे साथ इस समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद प्रमोद तिवारी। सर, जो हिंदुस्तानी इराक में मिसिंग है 39 जो लोग हैं जिनका कोई अता पता नहीं चल रहा, अब उसके ऊपर इंडिया टुडे की जो रिपोर्ट आ जाए उसको लेकर सुना है कांग्रेस पार्टी जो है वो पूरा मुद्दा संसद में उठाने वाली है। मैं बधाई देना चाहूंगा इंडिया टुडे को, उसने जितनी चिंता व्यक्त की, सदन ने जितनी चिंता व्यक्त की, कांग्रेस ने जितनी चिंता व्यक्त की, अगर उसका 1/125 हिस्सा भी भारत सरकार ने किया होता, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने किया होता, तो आज देश को इस अंधेरे में नहीं रहना पड़ता। उन्होंने, मैंने ये सवाल उठाया था साल भर पहले जब उनसे पूछा था सदन में, तो उन्होंने कहा था हमारे पास 3 सूत्रों से ये स्पष्ट जानकारी है कि वो जीवित हैं और सकुशल हैं। मैं आज सदन में उनसे यही जानना चाहता हूँ कि उन्होंने क्यों गुमराह किया सदन को, क्यों गुमराह किया देश को। जो सच्ची जानकारी थी अगर है तो हम शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देंगे।
कि वो सारे 49 भारतीय हमारे जहां भी हों उन्हें सुरक्षित वापस लाना भारत सरकार की जिम्मेदारी है, विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी है, वो इस बारे में हमें बताएं। पर चूंकि उन्होंने गलत सूचना दी है इसलिए मैं उनके खिलाफ विशेषाधिकार का प्रस्ताव कांग्रेस